नमस्कार जय जिनेन्द्र प्रणाम मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी आस्ट्रो वास्तु में आपका सर से स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हो सब्सक्राइब कर रहे हो और बहुत सारे टॉपिक भी मुझे भेज रहे हो कि नहीं सर मुझे इस सब्जेक्ट पे आप मेरे को कुछ अच्छे से वीडियो बनाओ ताकि एक की जो डाउट्स है वो हज़ार लोगों को सोल्यूशंस होती है तो धन्यवाद मैं वापस आपका धन्यवाद चाहूँगा कि आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हमारे इस रोहिणी अस्ट्रो वास्तु को आज हम लोग बात करेंगे कर्मा के बारे में वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कर्मा के बारे में लास्ट ईयर वो काफ़ी छोटा था तो अभी उसका भी एक न्यू वर्जन बना रहे हैं तो अभी बात शुरुआत करते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है और बोलता है कि सर जी मैंने लाइफ में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का मन नहीं दुखाया कुछ नहीं किया तो भी इतनी सारी तकलीफें मुझे ही क्यों बोले मैं बहुत जगह गया सबको यही सवाल पूछा कोई बोल रहा है कि तेरा नेचर ऐसा है कोई बोल रहा क्या कोई बोल रहा पूर्वज दोष है कोई बोल रहा काल सर्प है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो उस बंदे को बोला कि देखो तेरा जो ये सवाल है बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ताकि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं तो बोला डोंट वरी मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो देख लेने का तेरे को उसका जवाब मिलेगा तो आज उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है ऐसा होने का सबसे पहला और अहम कारण है कर्म मनुष्य जब धरती पे जन्म लेता है तो उसके पूर्व कर्मों से वो आता है तो हम लोग जब यहाँ धरती पे आते हैं मनुष्य योनि में आते हैं एक दूसरे से लेना देना होता है तो वो क्यों तो मनुष्य जन्म पूर्व भव के जो कर्म है संचित कर्म बोलते उसका चुकता करने को आता है कि गए जन्म में मैंने किसी का कोई डुबाया रहेगा तो वो इस जन्म में डुबाता है पहले तो लोग बोलते थे कि सातों जन्मों का कर्म भुगतना है मैं तो बोलता हूँ सिर्फ पूर्व जन्म और इस जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं उसको भुगतना है उसको बोलते हैं कर्मा अभी कर्म जो है हम लोग तीन स्टाइल से बांधते हैं तीन स्टेप्स में बांधते हैं एक तो कायिक कर्म जो शरीर से हम लोग कर्म बुरा कर्म करते हैं किसी को मारना किसी का खून करना चोरी करना लूट मारी करना ये हो गया आपका शारीरिक कर्म दूसरा हम लोग वचन से कर्मा बांधते हैं कि लोगों को बुरा भला कहते हैं कि तेरे हाथ टूट जाए तेरे पैर टूट जाए तू बर्बाद हो जाए तू कभी सुखी नहीं रहेगा ऐसे वाले जो बोलते हैं वाचिक कर्म और तीसरा जो है कर्म वो है मानसिक कर्म इंसान बैठे बैठे ही वो कर्म बांधता है कि यार इसकी बहुत दुकान जोर से चल रही है साले की दुकान बंद हो जाए बहुत सारे निगेटिव थाट उसको बोलते हैं मानसिक कर्म यानी शारीरिक मानसिक और वाचिक कर्म अभी ध्यान में रखना कर्म का हिसाब कैसा है जो सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा है कि शारीरिक कोई हम लोग बुरा कर्म करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट इमीजिएट मिल जाता है यानी शारीरिक जो कर्म है हम लोग ये शरीर के द्वारा भुगतते हैं कि हम बीमार होते हैं हमारा एक्सीडेंट होता है हमको लगता है या फिर जेल होती है अगर ऐसे कुछ कर्म किए तो शारीरिक कर्म वाचिक कर्म भी कभी कभी हमारे इधर ही दिखाते हैं कि जब हम लोग वचनों द्वारा जब बोलते हैं तो आगे वाला भी वचनों द्वारा हमारे ऊपर हैंगिंग करता हैमरिंग करता है तो वो वाचनिक कर्म हो गया इन दोनों के तो सॉल्यूशन हमको मिल जाते बट जो मानसिक कर्म है वैचारिक कर्म है वो बढ़ते जाता है वो साइकिल बढ़ती जाती है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशंस भी नहीं होता है उसके लिए कोई परिश्चित भी नहीं रहता है तो ये जो कर्म है हम लोग भुगतते हैं कि शारीरिक मानसिक और वैचारिक और मानसिक सबसे बड़ा जो पाप बोलो या सबसे बड़ा गुनाह बोलो तो मानसिक कर्म जो बुरा मानसिक कर्म कंटिन्यू लोगों के बारे में या कोई भी चीज़ों के बारे में गलत सोचना निगेटिव सोचना तो वो एक संग्रहित इकट्ठा कर्म होता है उसको संगठित कर्म बोलते हैं जो हम यहाँ आके भुगतते हैं भले इस जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं है कुछ भी नहीं किया तो भी मेरे साथ हो रहा है तो उस टाइम के इसका सोल्यूशन यही है कि कि परमात्मा को धन्यवाद देना कि हे परमात्मा आपका शुक्रिया मैं इस भव में आके इस कर्मों को मैं तोड़ रहा हूँ मेरे कर्म टूट रहे हैं तो आपके कर्मा कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं और फिर कर्म हल्के हो जाते हैं बट कभी कभी इंसान क्या करता है वापस उसको डबल में बाउंस करता है तो कर्मा के ऊपर कर्मा कर्मा के ऊपर कर्मा बढ़ता है और फिर वो साइकिल जन्मों जन्म चली आती है फिर हम लोग इसको ब्लेम करेंगे भगवान को दोष देंगे कि यार भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया तो देखो भगवान कभी कोई बुरा नहीं करता है बुरे अपने कर्म करते हैं तो आशा कर दो इस जो कर्मा का जो लॉजिक है आपके माइंड में आया होनेगा कि व्हाट इज द कर्मा जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भी बोला है कर्मण्यवादिकार्य माँ फलिसु कदाचन यानी हे इंसान तू तो कर्म कर उसका हिस्सा कर्मा ही देने वाला है तो इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा कि कैसे कर्म हमको बांधने हैं और वहाँ से क्या रिटर्न हमको लेना है थैंक यू धन्यवाद जय दिनेद्र